हेलो, ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल वास्तुकला की शैली में बने दिल्ली के अंतिम मकबरे के बारे में, जो सफदरजंग के मकबरे के नाम से जाना जाता है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को आज ही प्रेस करें। सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुगल शासन में वजीरुल हिंदुस्तान रहे मिर्जा मुकीम मसूर खान की कब्र है। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माने जाने वाला यह मकबरा दक्षिण दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है, जो कि लोधी मार्ग के पश्चिमी छोर के ठीक सामने है। मकबरे का निर्माण उनके बेटे शौदा उद दौला द्वारा 1754 ईस्वी में अपने पिता की स्मृति में करवाया गया था। मिर्जा मुकीम मसूर खान को सफदरजंग के नाम से भी पहचाना जाता था। यह उपाधि उन्हें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दी थी। मिर्जा मुकीम मसूर खान का जन्म 1708 में फारस में हुआ। वे मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के एक नवाब थे। बादशाह मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद नवाब दिल्ली की ओर आए और यहाँ स्थानांतरित हो गए। सत्रह में मोहम्मद शाह के पुत्र ने दिल्ली में मुगल शासन की गद्दी को प्राप्त किया। उसी समय सफदरजंग ने वजीर उल हिंदुस्तान का पद हासिल किया। सफदरजंग एक सक्षम शासक थे, इसीलिए वे अवध पर अपना नियंत्रण रखने में प्रभावी थे। इसके साथ साथ वे अपनी इसी प्रभावी शक्ति से कमजोर मोहम्मद शाह को अपनी मूल्यवान सहायता प्रदान किया करते थे। मोहम्मद शाह के बाद सफदरजंग ने पूरे मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मिर्जा मुकीम मसूर ने प्रधानमंत्री के रूप में सभी शक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने इन विशेष अधिकारों तथा शक्तियों का इस्तेमाल कर शोषण करना शुरू कर दिया। वजीर सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचने लगे, जिससे उनके परिवार इस बात से सहमत नहीं था और वजीर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल देख काफी दुखी हुए और उनकी इसी तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए हिंदू मराठा संघ को बुलाया। इसके बाद एक युद्ध आरंभ हुआ, जिसकी वजह से उन्हें 1753 में इस राजनीतिक पद से बर्खास्त कर राज्य से निकाल दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई और उन्हें सफदरजंग के इसी स्मारक में दफनाया गया, जिसे उनके बेटे ने राजा की सहमति लेकर उनकी याद में बनवाया था। यहाँ सफदरजंग के साथ उनकी बेगम की कब्र भी बनी हुई है। अंतिम मकबरे के रूप में पहचाने जाने वाली यह प्राचीन इमारत हुमायूं के मकबरे के समान बनवाई गई है। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह इमारत हुमायूं के मकबरे की तरह चार बाग शैली में बनाई गई है। यह बगीचा चारों ओर दीवारों से घिरा है, जिसके हर एक भाग की लंबाई 280 मीटर है। चार बागों में विभाजित यह बगीचा, जिसके चार मार्ग अलग अलग जगहों पर ले जाता है, जिनमें से एक मार्ग मकबरे की ओर तथा एक मुख्य द्वार की ओर जाता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, जो अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। साथ ही चारों ओर पानी की चार झीलें भी बनी हुई है। यह झीलें चार इमारतों तक जाती है। मकबरे के सामने एक पानी का कुंड भी बना हुआ है, जो इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसके साथ इसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, जो कुंड के दोनों ओर सीधी पंक्ति में है। इसका विशाल केंद्रीय गुंबद सफेद संगमरमर का बना है, जो
पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी केंद्रीय गुंबद के नीचे मकबरा है। इमारत की छत पर सुंदर तरीके से नक्काशी के साथ सजावट की गई है। तीन सौ वर्ग मीटर में फैला यह मकबरा मुगल काल के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो अपने प्राचीन इतिहास के कारण जाना जाता है। यह वर्गाकार आकार में बना है। दो मंजिला बनी यह इमारत चारों तरफ सुंदर उद्यान से घिरी हुई है, जो मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। सफदरजंग के मकबरे के सामने का दृश्य देखने पर ताजमहल की झलक भी दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि मकबरे के निर्माण के समय पर्याप्त धन न होने के कारण अब्दुल रहीम खान ने खाना के मकबरे से पत्थर लाकर इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था, जो इसके निकट का एक मकबरा है। मकबरे के परिसर में एक मस्जिद भी बनी हुई है, जो काफी शांत जगह है। मस्जिद में तीन गुंबद बने हुए हैं। मस्जिद के अलावा यहाँ कई इमारतें बनी हुई हैं, जैसे कि जंगली महल, मोती महल तथा बादशाह पसंद। कहा जाता है कि यहाँ सफदरजंग का परिवार रहा करता था। यहाँ की चार अष्टकोणीय मीनारे हैं, जो मुख्य इमारत से जुड़ी हुई है। यहाँ मुख्य द्वार पर एक पुस्तकालय भी बना हुआ है। सफदरजंग मकबरे के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सफदरजंग का मकबरा हफ्ते के सातों दिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सफदरजंग का मकबरा वास्तुकार अबिसिनीनन तथा बिलाल मोहम्मद द्वारा बनवाया गया था। इसे बनने में उस वक्त 3 लाख की लागत द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाया था। यहाँ कुछ अरबी शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। सफदरजंग के बाद दिल्ली की कई जगहों तथा इमारतों का नाम सफदरजंग के नाम पर रखा गया, जिनमें सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल तथा सफदरजंग इनक्लेव शामिल है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की जीवनी पर आधारित फिल्म जॉब्स की शूटिंग यहां पर भी की गई थी। सफदरजंग अपने समय में प्रधानमंत्री के अलावा कश्मीर, आगरा तथा अवध का सूबेदार भी रह चुके थे। सफदरजंग के मकबरे में जाने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन है।